गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज चैप्टर नंबर 36 का लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है अपना, इसमें सिकल सेल एनेमिया। तो सिकल सेल एनेमिया का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस रोग में एनेमिया मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। अब ये रोग होता कैसे है, किस तरह का रोग है, तो पहले मैं बता दूं कि ये जो रोग है वो है अलिंग सहलग्नी रोग होता है। मतलब इस रोग के जो जीन होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है वो देखिए। अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं स्वस्थ व्यक्ति की, एक स्वस्थ व्यक्ति में आरबीसी है ये गोल होती है। क्यों होती है? क्योंकि आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर दो होते हैं कारक, एक तो होता है फेरासाइन होता है और एक होता है ग्लोबिन प्रोटीन होता है। क्या होता है? ग्लोबिन प्रोटीन। और ये ग्लोबिन प्रोटीन है, प्रोटीन का मतलब ये है अमीनो अम्ल की श्रृंखला है, और जिसमें 100 से ज्यादा अमीनो अम्ल होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अमीनो अम्ल की श्रृंखला है, जैसे ये श्रृंखला है, और इस तरह से ये 100 से ज्यादा क्या होते हैं, अणु जुड़े होते हैं। इसमें नीचे ऐड कर देता हूं। तो कहते हैं कि इस अमीनो अम्ल की श्रृंखला में जो छठे नंबर पे, सिक्स नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे ग्लूटामिक अम्ल होता है। ग्लूटामिक अमीनो अम्ल होता है। ये ग्लूटामिक अमीनो अम्ल जो होता है ना, वो आरबीसी की आकृति को क्या बनाता है? गोल बनाता है। लेकिन अगर यहां पर क्या हो जाए, उत्परिवर्तन हो जाए, और उत्परिवर्तन के द्वारा ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पे और क्या आ जाए, वैलिन अमीनो अम्ल आ जाए, तो आरबीसी की आकृति गोल ना होकर कैसी हो जाती है? हसियाकार हो जाती है। अर्थात आरबीसी की आकृति विकृत हो जाती है। तो इस कंडीशन में दो बातें होती हैं, कौन कौन सी? एक तो आरबीसी की आकृति अनियमित हो गई, इसका मतलब उसके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। दूसरा, आरबीसी की आकृति हसियाकार या सी आकृति की हो जाती है, तो ये जो आकृति होने के कारण क्या होता है कि रक्त वाहिनियों में जगह जगह पे ये फंस जाती है, तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो ब्लड क्लॉटिंग होने से क्या होगा कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसमें कैसे लिखेंगे वो देखिए, ये तो समझा दिया मैंने आपको। तो सबसे पहले सेंटेंस तो आप ये लिखेंगे कि यह अलिंग सहलग्नी रोग होता है, अर्थात इस रोग के जीन हैं वो अलिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। अगला बात हम पॉइंट लिखते हैं, स्वस्थ व्यक्ति में आरबीसी कैसी होती है? गोलाकार होती है, क्योंकि आरबीसी के हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन अमीनो अम्ल की श्रृंखला में सिक्स नंबर पर ग्लूटामिक
अमीनो अम्ल पाया जाता है? इस कारण क्या होता है, आरबीसी की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। और रोगी व्यक्ति में क्या होगा कि जो ग्लूटामिक अम्ल है ये बदल जाएगा वैलिन अमीनो अम्ल में। और किसके द्वारा बदलेगा, उत्परिवर्तन के द्वारा बदलता। अब इससे क्या होगा कि जो ग्लूटामिक अमीनो अम्ल है वो वैलिन में बदलेगा, तो इसी को अपने क्या करना है, सेंटेंस में लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, रोगी व्यक्ति में उत्परिवर्तन के कारण ग्लूटामिक के स्थान पे वैलिन अमीनो अम्ल आ जाता है, जिससे आरबीसी की आकृति गोलाकार के स्थान पर हसियाकार हो जाती है। तो इससे दो नुकसान होते हैं, एक तो रोगी व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, और दूसरा नुकसान ये होगा कि आकृति विकृत होने कारण रक्त वाहिनियों में आके ये फंस जाते हैं। ठीक है, इतना तो ये लिखना है इसमें। इसके अलावा ये रोग कब तो अपने लक्षण प्रदर्शित करेगा और कब नहीं करेगा, इसकी कंडीशन और लिखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे रोग की वंशागति, तो फर्स्ट स्थिति देखते हैं हम। अगर नर और मादा दोनों ही रोगी हों, मतलब नर के हीमोग्लोबिन पे सिकल सेल एनेमिया के जीन हैं और मादा के हीमोग्लोबिन पर भी सिकल सेल एनेमिया के जीन हैं, तो संतान में आप जानते हैं ये दोनों जीन जाएंगे, नर का भी जाएगा और मादा का भी जाएगा। और ये अवस्था कहलाती है यहाँ पे, कौन सी अवस्था, समयुग्मजी अवस्था। समयुग्मजी अवस्था में चाहे तो नर हो और चाहे मादा हो, दोनों ही कैसे होंगे, प्रभावित होते हैं। मतलब समयुग्मजी अवस्था में ही इस रोग के लक्षण दिखाई देंगे, चाहे वो नर हो, ये नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकता है। हीमोफीलिया उनकी तरह नहीं होगा कि नर रोगी होगा मादा वाहक होगी, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें फिर क्या है, इसमें है कि नर और मादा दोनों ही, मतलब चाहे नर हो और चाहे मादा हो, दोनों ही कैसे हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। दूसरी स्थिति में अगर आप देखेंगे कि साहब नर और मादा हैं, नर तो है रोगी पर मादा में इस जीन के, इस रोग के जीन अनुपस्थित हैं, A4 एब्सेंट नहीं है, तो देखो संतति में ये स्थिति आएगी ना, HBS HBA,
तो ये बेटा ये कौन सी स्थिति हो गई यहाँ पे, विषम युग्मकी, विषम युग्मकी अवस्था हो गई। तो विषम युग्मकी अवस्था में चाहे नर हो और चाहे मादा हो, कोई भी हो, वो हमेशा किस रूप में होगी, वाह के रूप में। मतलब समयुग्मजी अवस्था में तो क्या होगा, रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, जबकि विषम युग्म की अवस्था में वाहक होंगे, चाहे वो नर हो और चाहे वो मादा होती हो, वाहक होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का अंतिम जो रोग है उसके बारे में हम देखते हैं, और ये है फैनिंग कीटो न्यूरिया, फैनिल कीटो न्यूरिया। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हम एक सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं सबसे पहले, सामान्य व्यक्ति। तो सामान्य व्यक्ति में क्या होता है, यहां पे हम कंडीशन देखें तो सामान्य व्यक्ति में फैनिल एलानिन एक अमीनो अम्ल होता है। ये अमीनो अम्ल बदलता है टायरोसिन में, ये भी क्या है, अमीनो अम्ल, और ये बदलता है किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोक्सी लेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो टायरोसिन क्या करता है, व्यक्ति के मस्तिष्क के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। अब सपोज दैट कि हाइड्रोक्सी लेज बनाने वाले जो जीन थे ना वो विकृत हो गए, मतलब उसमें क्या नहीं बनेगा, अब हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम नहीं बनता है, तो रोगी व्यक्ति में क्या होगा, रोगी व्यक्ति में हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की कमी से, हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की कमी से फैनिल एलानिन अमीनो अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इस मात्रा के बढ़ने से इससे क्या होगा, ये अमीनो अम्ल कौन सा, फैनिल एलानिन अमीनो अम्ल, ये धीरे धीरे क्या होगा, ये बदल जाएगा पायरिक अम्ल में और इसके व्युत्पन्न में। तो आपने देखा कि एक तो क्या हो रहा है कि उसमें फैनिल एलानिन की मात्रा लगातार बढ़ रही है, उधर टायरोसिन नहीं बन रहा, तो क्या होगा, व्यक्ति मानसिक रूप से रोगी हो जाता है, और साथ साथ में हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम जो था वो धीरे धीरे पायरिक अम्ल में बदलने लग गया। ये पायरिक अम्ल क्या करेगा, शरीर में इसकी मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और जब शरीर में इसकी मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो धीरे धीरे ये मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलना भी स्टार्ट होता है। तो इसके क्या लक्षण होते हैं, लक्षण में पहला लक्षण तो होता है, एक तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, मंद बुद्धि का हो जाएगा। दूसरा हो जाता है बेटा इसमें पायरिक अम्ल मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, और त्वचा रंग बदल जाता है। इसके अलावा शरीर पर बालों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
तो इस तरह से बेटा ये एक लास्ट चैप्टर था इसका जेनेटिक्स का, जो मैंने आपको करवा दिया है। अब इसके बाद में मैं आपको जूलॉजी के जो लास्ट दो चैप्टर हैं, प्रतिरक्षा तंत्र वो करवा देता हूँ, और एक है कौन सा मानव में रोग, ये करवा देता हूँ। उसके बाद अपनी जूलॉजी के चैप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं। ओके।